स्टूडेंट्स वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो रहेगी ये मैथ से रिलेटेड रहेगी और इस वीडियो में मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट है मैथ में जो जो आ सकता है वो सारा का सारा इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, दोनों को ही ये वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि ये उनके बेनिफिट के लिए है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि आपके टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसी को ध्यान में रखकर मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू वीडियो भी बनाई हैं, आप उसको भी देखिएगा। और आज रात को मैं 10 बजे के आसपास लाइव भी आऊँगा, तो आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। SST की वीडियो बनाऊँगा और जिसमें हम जो सिविक्स का है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसके MCQ डिस्कस करेंगे। तो फटाफट आप इस वीडियो को मैं आगे बढ़ा दूं। ये जो मैं आपको पेज दिखा रहा हूँ यही आपके सिलेबस में जो है ना मैप का वर्क है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब फटाफट आगे देखिए, अब मैं आपको और क्या क्या करवा रहा हूँ। सबसे पहले फ्रांस की जहाँ क्रांति हुई थी, तो कौन से जो चार इलाके हैं वो कहाँ पर पड़ते हैं, आप इस पिक्चर को देखिए, ठीक है। हिंदी में आप यहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है, स्पेलिंग आप ये ध्यान रखिएगा क्योंकि जो मैप है उसमें स्पेलिंग थोड़ी वैरी हो सकती है, ठीक है। तो ये चार नेम है, इसको फटाफट आप देखिए, आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, ठीक है। तो ये है बॉर्डेक्स, ठीक है, स्पेलिंग आप वहीं से देख लेना, ठीक है। ये है नांते और ये है पेरिस और ये है मार्सिले, ठीक है। ये जो आप रेड डॉट देख रहे हैं ना, आपको याद रखना है इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है, इस पूरे एरिया को क्या कहा जाता है और इस एरिया को क्या कहा जाता है, क्योंकि चारों में से केवल एक ही आएगा, तो आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप ये देख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान है ये, ओके। ये है नेपाल, ये है भूटान, ये है चीन, ठीक है, और ये है बांग्लादेश, ये है आपका म्यांमार, ये वाला, ठीक है, और ये है श्रीलंका, ओके। ये है पाकिस्तान, ये नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से बना है। अब इंग्लिश में देखिए, आप देखिए, ये है पाकिस्तान, यह है नेपाल, यह है चाइना, यह है भूटान, यह है बांग्लादेश, यह है म्यांमार, ओके। तो अगर किसी को जैसे समझ नहीं आया होगा तो इसमें समझ लेगा इंग्लिश मीडियम में। और यह है अफ़गानिस्तान, ठीक है, और यह अरेबियन सी, ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी बोलते हैं इसको, इसको अरब सागर बोलते हैं, और यह है हमारा श्रीलंका, ठीक है, ये हमारा, ये श्रीलंका पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, सॉरी, ठीक है। और नीचे इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर, ओके। और यहाँ पर जो है हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड है, ठीक है, लक्षद्वीप है यहाँ और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेट इंडिया के, देखिए यहाँ पर आपको पड़ोसी देश भी दिख जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपके स्टेट हैं सारे। अब आप मेन मेन अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो मेन मेन जैसे आपको दिल्ली के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में, गुजरात के बारे में, और जो आपका, ठीक है, आपको ना ये तेलंगाना भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं, आपको हर स्टेट अच्छे से पता होना चाहिए, आप आराम से इसको कर सकते हैं, ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब इंग्लिश में दिखा देता हूँ, है ना, देखिए आप इंग्लिश में देख लीजिए, ठीक है। और हर स्टेट की आपको ना राजधानी पता होनी चाहिए, ओके। तो जो मेन है जम्मू कश्मीर को अच्छे से कर लो, दिल्ली को, ठीक है, राजस्थान को, गुजरात को, और यहाँ पर जो है पूर्वी राज्यों को भी आप देख लेना, ठीक है, और इन सब की राजधानी भी आप अच्छे से कर लेना ज़रूर, ओके।
और तेलंगाना का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। और तमिलनाडु, ठीक है, ये दक्षिण राज्य कहलाते हैं साउथ के। ओके चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब देखिए जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा वो यहाँ से होकर गुजर रही है, और किन किन राज्यों से गुजर रही है आप देख रहे हो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है, आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, ओके। और जो हमारा जो मानक मध्यम रेखा है, ये जो 62° 30' की है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, देख लो, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये कहाँ से जा रही है देख लो, ठीक है। और भारत का जो सेंटर है मिर्ज़ापुर को लिया गया, उसी के बेस पर है ये, क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। सेंट्रल मेरिडियन हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। और कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब आप इंग्लिश में देखिए, ठीक है, ये कोस्टल प्लेन्स और जो प्लेटू है उससे रिलेटेड है, पहले इंग्लिश में देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है कोंकण कोस्ट है, ओके, और ये है मालाबार, ठीक है, फिर उसके बाद है ये कोरोमंडल, ठीक है, ओके, और उसके बाद ये डेजर्ट जो राजस्थान में है ना, गुजरात का कुछ हिस्सा, ठीक है, ये हिमालय हो गया, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा ईस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट, ये डेक्कन प्लेटू, अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, और ये जो गंगा का जो प्लेन इलाका है ना वो, ठीक है, और ये नॉर्थ ईस्ट होता है हिमालय, ये भी हो गया, ठीक है, मेन मेन हो गया ना, ये लक्षद्वीप मैंने बता दिया था, अंडमान निकोबार आपको बता दिया था, ठीक है, कोरोमंडल याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, और डेक्कन प्लेटू पे क्वेश्चन आता है, ओके। चलो क्लियर हो गया, अब हिंदी में देखिए, अब आप देखिए हिंदी में, ठीक है, तो यहाँ पर मैं भी और भी चीज़ दिखा दूँगा, और इंग्लिश मीडियम वाले भी ज़रूर देख लें, क्योंकि कई बार कुछ हिंदी में रह जाता है तो इंग्लिश में, इंग्लिश में कुछ रह जाएगा तो हिंदी में। ये K2 है, ठीक है, नंगा पर्वत, ये कामेट, ये सारे पर्वत हैं, ठीक है, और ये मैंने अभी इंग्लिश मीडियम में नहीं दिखाया है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ठीक है, और ये नामचा बरुआ, ठीक है, और ये ठीक है उत्तरी हो गया, ये कोरोमंडल है, ठीक है, ये मालाबार हो गया, ये कोंकण हो गया, ठीक है। तो अब आगे देखो, मैं पहले पठार भी मैंने अभी दिखाया नहीं, और दिखा देता हूँ, यहाँ पर ना उत्तरी घाट बताना था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंटिंग होगी, ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको, अभी मैं आपको और दिखा दूँगा, ठीक है। और एक बात और, अगर यहाँ पर जैसे माउथ ऑफ गंगा बोले तो ये माउथ ऑफ गंगा है, ठीक है, गंगा, ठीक है, जहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है, ओके। आगे देखिए, देखिए पहले मुझे वैसे ये बताना था, तो अचानक वो पेज ऊपर नीचे हो गया ना, इस वजह से पहले मैं बता नहीं पाया। तो ये देखो बुंदेलखंड का पठार है, ये कच्छ का पहाड़, मेन मालवा का पठार याद रखना आप, ठीक है, मालवा का दक्कन का पठार सबसे इम्पोर्टेंट है, और छोटा नागपुर, ठीक है, तीन अच्छे से कर लें, बाकी भी आप आराम से सब देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको मेन कौन सा याद रखना है, मालवा का, दक्कन का, ठीक है, और छोटा नागपुर, ये तीन अच्छे से कर लेना, बाकी भी आपको होनी चाहिए नॉलेज, मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट देखिए, देखिए मैंने इंग्लिश मीडियम में तो सारा इसी में आपको दिखा दिया, ठीक है, सारा डायलॉग वगैरह सब कुछ, ठीक है, आप ये सब किसी को भी इग्नोर मत करना, ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है, सब में हो गया, और थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ब्लर नज़र आ रहा हो, ठीक है, बाकी अब इस समय यही अवेलेबल हो पाया है उस पर, ठीक है। तो आप फटाफट आगे देखिए, देखो इंग्लिश में तो मैंने दिखा दिया था पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, सतपुरा, विंध्या, अरावली और शिवालिक, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पता है क्या है,
सबसे इम्पोर्टेंट एक तो कराकोरम श्रृंखला कर लो, अरावली की पहाड़ियाँ कर लेना, ठीक है। बाकी पश्चिम घाट पूर्वी घाट के बारे में आपको पता ही होगा। ओके, सबसे बड़ा अरावली की पहाड़ियाँ और कराकोरम, केटू पर्वत अभी मैंने आपको दिखा दिया था, पूरा आराम से कर लेना, ठीक है। और देख लीजिए अभी आज का लास्ट का मैप है, ठीक है, ये केटू है आपका, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है, आप इधर बनाइएगा, ठीक है। और नंदा देवी, ठीक है, याद रखना नंदा देवी और कंचनजुंगा और अनाईमुड़ी, ये अच्छे से कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो फ्रांस का मैंने आपको दिखाया था, चार में से एक तो दो आएंगे आपके, तो हो सकता है ये दोनों ही आ जाएं, ठीक है। तो आपसे फिर मिलेंगे, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, और आज जो लाइव मैं लूँगा उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे आपके लिए और सब्जेक्ट की भी वीडियो लाई जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हिंदी मीडियम वाले अनाईमुड़ी में बोल दिए, अनाईमुड़ी कंचनजुंगा नंदा देवी, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, बाकी मैंने पीछे दिखाया उसमें भी कहीं ना कहीं जरूर लिखा होगा, ठीक है। और टेक केयर योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।